राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहली बार विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची। टीआरपी लाइन हेलीपैड पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने उनकी अगवानी की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे कार्यक्रम स्थल होटल रुद्राक्ष पहुंची, जहां उन्होंने सफाई मित्रों का सम्मान किया और उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन भी किया। बता दें कि कार्यक्रम में उज्जैन के 5 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। सफाई कर्मियों के सम्मान के दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री महाकाल के साथ की। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सदियों से संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर बनी हुई है और इसके साथ ही उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी जनसेवा यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छ भारत अभियान में देश भर में 2वां स्थान पाया है। अब हमारा अगला लक्ष्य 1ला स्थान हासिल करना है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर में झाड़ू लगाकर सफाई भी की। इसके बाद राष्ट्रपति इंदौर के लिए रवाना हो गई। यहां देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 तरह से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है।